नमस्कार, यूपी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जनपद में भिनगा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने घर के सामने खड़े 5 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 बच्चे और एक पुरुष के साथ एक महिला शामिल है। सभी की हालत गंभीर है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आनंद फानंद में निजी वाहन से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतुहापुर गाँव में एक ही परिवार के 5 लोग घर के बाहर बैठे थे, तभी भिनगा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार से अनियंत्रित कार ने 5 लोगों को रौंद दिया, जिसमें चंदना 11 साल, नैना 4 साल, सुंदराम 4 साल, राजित राम 30 साल, शीला देवी 27 साल की शामिल है। सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने सभी को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना स्थल पर इस घटना के बाद भीड़ बेकाबू हो गई, जिसको संभालने के लिए सोनवा और भिनगा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित भीड़ को समझा बुझा कर शांत कराया। ये कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, कैसे होता है? घर के सामने हमसे खड़े रहन और एक थोड़े मारुति आए, बस उसका को जाने क्या, बस सीधे डायरेक्ट आए, बस 5-6 लोगन का, वैसे 7 लोगन का। अब ये सबसे आगे लेडीज पर गई हमारी दुल्हन, इनको मारिश तो बताई थे कि 2 मंजिल के ऊपर चली गई, वहाँ से गिरी है। तब सब कर हम सब वह तब हम दूर खड़े रहें 10 कदम के दूर, तब हुआ गवाह मारी से। कहीं जा रहे थे आप लोग कि आ रहे? नहीं साहब, अपने घर पर, घर के सामने खड़े थे लोग, घर पर अपने द्वारे बैठ रहे। अच्छा अच्छा, हाँ। यूपी खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।